primary teacher from Kendri Vidyalaya Aranya. In this video, we are going to read the unit 8 of class 3rd English, What is in the mailbox? Have you ever received a letter? क्या आपने कभी कोई लेटर रिसीव किया है, लेटर यानी चिट्ठी प्राप्त किया है आपने कभी? If you haven't seen what this child decided to do, अगर आपने नहीं देखा है तो बताइए ये बच्चा जो है वो क्या डिसाइड करता है, क्या करने के लिए डिसाइड करता है? What's in the mailbox? Mailbox में क्या है? Look at this picture and identify it. Yes, this is a mailbox and you can say a letterbox, and you can see this is its mouth and you can drop your letter and postcards into it, and after this a man will come who, yes, the postman will come and get the letters from. Yes, you can see the lock here down the box. Yes, here it is, and the postman will come and take the all letters, take out and bring it to, with him to the post office. Okay. Most always, when the postman comes with letters 2 or 3, हमेशा क्या होता है, पोस्टमैन जब भी आता है एक दो लेटर्स के साथ, आर फॉर माई मदर और माई डैड, ये जो लेटर्स वो पोस्टमैन लेके आता है वो या तो मेरी मदर के लिए होता है या तो मेरे डैड के लिए होता है, बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन कोई भी एक लेटर मेरे लिए नहीं होता है. अभी यहाँ देखिए मेल बॉक्स के आगे कौन बैठी है. यस, शी इज अ गर्ल एंड शी इज वेटिंग फॉर हर लेटर. वो यहाँ बैठी है, वो वेट करती है कि जब भी पोस्टमैन आएगा उसे भी कोई ना कोई लेटर मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है. हमेशा उसके फादर या मदर के लिए ही वो लेटर देकर जाता है, लेकिन उसके लिए कोई भी लेटर नहीं भेजता. ये देखिए, ये यहाँ पर मेल बॉक्स के आगे बैठी है और वो वेट कर रही है कि कोई उसके लिए भी लेटर भेजे. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर दो. हालांकि अब मैं कुछ लेटर लिखने जा रही हूं. दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू. और मैं यही करने जा रही हूं. And then my friends will answer me. उसके बाद क्या होगा, जब मैं उन्हें लेटर लिखूंगी तो मेरे फ्रेंड्स मुझे उसका जवाब लिखकर भेजेंगे. And I will get letter too. और तब मैं एक लेटर प्राप्त करूंगी, मुझे एक लेटर मिल ही जाएगा. अब इस लेसन में कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उनको देख लेते हैं. फर्स्ट जो हमें वर्ड है वो है लेटर्स. लेटर्स क्या होता है, हम हिंदी में बोलते हैं चिट्ठी, जिस पर हम लोग मैसेज लिख करके और मेल बॉक्स में डाल करके किसी को अपना मैसेज संदेश भेजते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेटर. नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज. ऑलवेज मीन्स हमेशा, जो कंटिन्यूस होता रहता है. नेक्स्ट वर्ड इज नेवर. नेवर मतलब कभी नहीं. दो, नेक्स्ट वर्ड इज दो. इसका मीनिंग होता है हालांकि, जबकि, ये हम लोग यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, ये था हमारा व्हाट्स इन द मेल बॉक्स. आपको ये वीडियो स्टडी में बहुत हेल्प करे ऐसा मैं सोचता हूँ. थैंक यू वेरी मच.